अस्सलाम वालेकुम जानिस, तो कैसे हो भाई। ऑनलाइन जितनी भी जॉब्स होती है ना, हम जैसे निखटू बंदों को बहुत ही ज्यादा सूट करती है। मैं रूम से निकलना नहीं पड़ता, मैं यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे काम करता हूँ जो आपको आज वीडियो में आगे मतलब थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। लेकिन चार ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको भाई कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं जानते आप किसी भी चीज के बारे में, तो ये सीख के आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो, काफी अच्छे नहीं बहुत अच्छे, और ये आप रेगुलर जॉब की तरह कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये इस तरह की वो मैं स्किल्स आपको बताऊंगा जो मतलब अगर आप सीख लोगे और उस पर काम करोगे तो आप मतलब सारी जिंदगी घर बैठ के कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी स्किल्स बताई जाए जो भाई बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में आप सीख के कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लीजिए, यानी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपने नीचे कॉमेंट करके बताना है। और अगर भाई आपने आज तक कोई भी ऑनलाइन अर्निंग किया तो आपने नीचे कॉमेंट करके बताना है भाई हमने इस प्लेटफॉर्म से ये पैसे कमाए। यहाँ पर भाई कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की मोटिवेशन होती है पैसे, तो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि पैसे के लिए हम लोग काम सीखेंगे और करेंगे। लेकिन यहाँ पर भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है फोकस भी करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सबसे पहली इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको मजे कराने वाली स्किल है वो है भाई वर्डप्रेस। वर्डप्रेस अगर आप सीख लेते हो ना, मतलब वर्डप्रेस बेसिकली है क्या कि आप लोग बगैर कोडिंग सीखे, बगैर कोई भी मतलब टेक्निकल नॉलेज के, ऑलमोस्ट जीरो समझ लो आपके पास टेक्निकल, आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप मेरे पास है तो मैं आपको एक अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की जो अर्निंग है मैंने अभी आप ओपन की, मैंने चेक की, मैंने कहा बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत थोड़ी भी नहीं है, बट मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा हमारा ब्लॉग, तो ये हमारा ब्लॉग है एक, और इसके ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारी ट्रैफिक पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट से आ रही है, और ये जो सीन है ना इसका, इसकी ये अर्निंग हो रही है, ठीक है। ये हमें काफी पुराना ब्लॉग है, ठीक है, इस पर मैं कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं करता, कभी आर्टिकल मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट आर्टिकल मैंने कब इस पर लिखा था, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें रोज के कभी $10, $20, $30, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 7 days में इसने हमें $175 बना के दिए, और इस महीने में हमारे $300 हो गए, अभी आगे भाई तकरीबन 15 दिन रहते हैं, आप देख सकते हैं पिछले मंथ की। तो ये भाई हमें ब्लॉग जो है ये बेसिकली एक वर्डप्रेस का ब्लॉग है जिसको हमने वर्डप्रेस पे बनाया था, बनाया था बोलते हैं। तो अब वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है कि आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत ही ईजी है सीखना, मतलब मैंने लिटरली इसको 2 दिनों में सीख लिया था, मतलब सब कुछ नहीं बट एक वेबसाइट बनाना, उस पर आर्टिकल लिखना, और मतलब सब कुछ मैंने 2 दिनों में एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना और सब कुछ सीख लिया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे दूं कुछ ऐसी यूट्यूब चैनल्स के या ऐसी वीडियोस के जहां से आप लोग सीख सकते हैं। 2-3 घंटे की मतलब कोर्स जो यूट्यूब पे अपलोडेड है आप देख लें और आप इजीली एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकेंगे। बट यहाँ पर आ जाते हैं मोस्ट डिमांडिंग लेकिन थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन भाई ये भी चीजें मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये आप इजीली यूट्यूब से सीख सकोगे, ठीक है। ये जो है ये है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। अब इसमें मैंने स्टार्ट किया था और मैंने काफी कुछ सीखा भी, बट मैंने इसको मतलब एज अ प्रोफेशन में लेके नहीं चल रहा, मतलब कि इस पर मैं काम इतना ज्यादा नहीं कर रहा, बट मैंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी। अब यहाँ पर भाई सीन ये होता है कि आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाने होते हैं, सेम इसी तरह यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं, खुद के ऐप बना के पैसे कमा सकते हैं, दूसरों को सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकते हैं। किस तरह? अब आपको ये सारी जितनी भी लैंग्वेज, यहाँ पर एक चैनल बहुत ही अच्छा है कोड विद हैरी, मैंने वहां से काफी ज्यादा मतलब सीखा है, बहुत ज्यादा सीखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पर मतलब पूरी पूरी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट वहां पर सभी लैंग्वेजेस जो है मतलब पाइथन वगैरह हो गई, C++, सभी की जो है सारी डिटेल में वीडियोज मौजूद है। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि आप अपने ऐप बना के उसको प्ले स्टोर वगैरह पे, या अगर आप एप्पल के लिए बनाते हो तो उसको iOS स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर आपने प्ले स्टोर पे जब पब्लिश करना है तो उसके बाद आपको वहां पर एड मोब के एड लगाने होते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप के ऊपर, और उसके बाद भाई अगर लोग उसको डाउनलोड, अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का ऐप बनाते हो, जो अपनी सर्विसेज है उनको अपवर्क पे और फायर वगैरह पे जाकर बेच भी सकते हो। और ये भाई मोस्ट डिमांडिंग जो गिग्स हैं वो इन्हीं की है, मतलब ये जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है ये मतलब बहुत ज्यादा इसमें पैसा है, मतलब आप दूसरों को खुद के लिए ना भी बनाओ, सिर्फ आप दूसरों को बना के देते रहो तो भाई एक एक प्रोजेक्ट का इतना पैसा मिलता है कि भाई मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद का, वो ये काम कर रहा है और भाई वो जो बताता है ना या जो चीज़ हमें दिखाता है हम कहते हैं भाई पागल हो जाता है बंदा। तो बहुत अच्छे पैसे हैं यार इसमें, मतलब आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में मतलब कोई ऐसी जॉब नहीं होगी जो इतना पैसा आपको दे, मतलब कोई टॉप का मतलब जज भी आप सुप्रीम कोर्ट के लग जाए ना तब भी आप जितना पैसा इसमें कमा सकते हैं उतना आप उस काम में मतलब नहीं आपको मिलेगा, उसका हाफ भी नहीं मिलेगा, उसका 1/3 भी नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट चीज है वो है भाई व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होता है सीन, आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे होंगे या फिर यूट्यूब चैनल से हट के जो कंपनीज वगैरह होती है वो आजकल फोकस इस तरह करती है कि अपने एड्स बनवाने के लिए जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है उनका यूज करते हैं, और ये काफी ज्यादा मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करता है। तो फाइवर वगैरह पे आप लोग व्हाइट बोर्ड एनिमेशन मतलब अगर आपने सीखनी है तो हमने 2 साल पहले इस पर भी काम किया है, वीडियो स्क्राइब का हमने यूज इस पे काफी ज्यादा काम किया था, बट हम इसको अभी नहीं लेके चल रहे।
तो वीडियो स्क्राइब हो गया, उसके अलावा मैंगो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज करके व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सीख सकते हो। और भाई बहुत ही तबाही का काम है ये भी, मतलब इसमें भी भाई क्या बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे पैसे। अगर भाई आपको कंपनीज वगैरह हायर करेंगी अपनी जो एडवर्टाइजमेंट बनवानी होती है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू, ठीक है, तो ये बहुत ही, मतलब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत ही इजिली सीख भी सकते हो, इस पर काम भी कर सकते हो और अपनी सर्विसेज को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वगैरह पे बेच भी सकते हो। हमारा आज की वीडियो का लास्ट, लेकिन इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इजी से इजी जो होंगी, जो सबसे इजीएस्ट तरीके हैं जो आप लोग जो स्किल्स हैं बेसिकली जो आप सीख के ऑनलाइन कर सकते हो वो बताऊंगा। बट यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास है वो एसईओ और आर्टिकल राइटिंग। अब यहाँ पर भाई ये मैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में आपको ऑलरेडी दो तीन वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई आर्टिकल राइटर की जरूरत पड़ती है, मतलब मुझे खुद को पढ़ने की, मैं वर्डप्रेस पे जब वेबसाइट मतलब जो हम लोग रन करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक आर्टिकल राइटर की और एक एसईओ की। एसईओ हम खुद कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन एसईओ भी आपको सीखनी पड़ेगी। एसईओ भी भाई बहुत ही तबाही से, और एसईओ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ उसमें ट्रिक्स हैं। एसईओ जो है गूगल का जो सर्च इंजन का सारा सीन है, वो मतलब गूगल अपडेट करता रहता है 2015-14 से पहले बहुत ओपी सीन होता था, कुछ भी रैंक कर रहा होता था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत ही सीन खराब हुआ। और अब ये है कि गूगल अपडेट होता रहता है तो आपको गूगल की जो अपडेट्स वगैरह वो पढ़नी होती है कि भाई ये कैसे चल रहा है। ये नहीं है, कुछ लोगों को ये लगता है कि एसईओ कुछ ऐसा ट्रिक है कि भाई जिसको पता चल गया चल गया, नहीं भाई ऐसा सीन नहीं होता। एसईओ जो सीन है ये चेंज होता रहता है। तो अब इसमें सीन क्या होता है, एसईओ में आपने जो है आर्टिकल रैंक करने होता है, आप अपने आर्टिकल रैंक करवा सकते हो, दूसरों के करवाओगे और ये सारा सीन आप कर सकते हो। उसके अलावा कॉन्टेंट राइटिंग बहुत ही ईजी, लेकिन आप कह सकते हो कि मतलब आपको अच्छी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए बेसिकली कंटेंट राइट, आपका बहुत सारी मतलब चीज़ों पे जो है मतलब होना चाहिए, हाथ मजबूत होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ों का मतलब यह है कि बहुत सारे मतलब करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, मोबाइल मतलब लेटेस्ट टेक न्यूज़ हो गई, कौन से मोबाइल आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, क्या सीन हो रहे हैं, इस सारी मतलब न्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हर मतलब हर नीच की न्यूज़ का, यह नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी हो गई, उसके अलावा फैशन हो गया, मेडिसिन, मतलब जो कुछ भी है ना सारा कुछ। और अगर आपको आर्टिकल राइटिंग मतलब इंग्लिश भी आपकी अच्छी है और आप ये सारी चीज़ें जानते हो तो आप अपनी सर्विसेज फाइवर पे दे सकते हो, उसी के साथ साथ आप जो है मतलब इन सर्विसेज को खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपनी। अगर आप वर्डप्रेस सीख जाते हो, उसके बाद आप एसईओ सीखते हो और आर्टिकल राइटिंग सीखते हो, ये तीन चीज़ें अगर सीखते हो तो आपको किसी के लिए भी काम करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के अपना सीन खुद ही कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हो एक रूम में बैठ के भाई मेरी तरह बहुत ही निखड्डू बंदे हो तो यस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।